Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. Today I'll be talking about some of my favorite products to make my skin oil free and matte. अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, मॉनसून स्टार्ट हो चुका है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है हमारी स्किन और चिपचिप हो जाती है, ग्रीसी फील होती है. स्पेसिफिकली अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो ये सारी चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो मैं आज आपको सारे मेरे टॉप फेवरेट प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ जो बेसिक्स हैं. मतलब इसमें कुछ भी हाई फाई मेकअप या स्किन केयर आइटम नहीं है, ये सारे बेसिक आइटम है जो आप सबके पास होने चाहिए. आपकी भी स्किन एकदम ग्रीस बॉल है, तेल की खान है, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद स्किन केयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको अपनी स्किन को एकदम मैट बना के रखना है, ऑयल को रिमूव करना है, मेक श्योर आप जो भी फेस वॉश यूज कर रहे हो वो जेल बेस्ड फेस वॉश हो, वो क्रीमी ना हो, मिल्की वाला फेस वॉश हमें नहीं यूज करना, बिकॉज वो अच्छे से आपकी स्किन को मैट नहीं बना सकता. और जो भी आप फेस वॉश यूज करो, मेक श्योर उसके अंदर टी ट्री, सैल्सिलिक एसिड, ग्रीन टी ऐसे वाले इंग्रेडिएंट्स हो, ताकि वो ऑयल को भी रिमूव करे, एट द सेम टाइम डीपली जाके जो भी गंक होता है उसको भी अच्छे से हटाए. नाउ सेकंड स्टेप इज मॉइस्चराइजर. अब क्या है ना, मेरे पास जितने मॉइस्चराइजर है दे आर ड्यूई या फिर नरिशिंग होते हैं, दे आर नॉट ऑन द मैट साइड. सो मैं क्या करती हूँ, मॉइस्चराइजर कोई भी लगा लेती हूँ जो ड्यूई होता है, जो नरिशिंग होता है, उसको मैं लगा कर रखती हूँ अपनी स्किन पर अच्छे से. उससे पहले जो भी आप सीरम लगाते हो आप वो भी लगा सकते हो. प्रेफर किया करो नायसिनमाइड सीरम अगर आप ऑयल कंट्रोल पे फोकस कर रहे हो ना, कि आपके स्किन से ग्रीसीनेस ज्यादा ना हो, ओवर द टाइम आप जब मेकअप करते हो ऑयली ना हो, ऑलवेज यूज नायसिनमाइड एंड जिंक बेस्ड सीरम. ये जो दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से ऑयल को कंट्रोल करके रखते हैं और आपके पोर्स का भी ध्यान रखते हैं. उसके बाद आप लगा सकते हो कोई भी मॉइस्चराइजर. मैंने जैसे ही कहा, मेरे पास कोई भी मैट मॉइस्चराइजर नहीं है सजेस्ट करने को, तो मैं तो कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ. बट वॉट आई डू इंस्टेड, उसके बाद जब मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ ना, मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ एकदम मैट, ताकि वो जितना ही मैंने बेस पे नरिशमेंट दिया ना, वो एकदम उसको लॉक कर दे और उसको एकदम मैट बना दे. अब मॉनसून और ह्यूमिडिटी के टाइम पे सबसे बड़ा इशू मेरे साथ क्या होता है, मैं कोई भी वाइट कलर की सनस्क्रीन लगाती हूँ, वो थोड़े टाइम बाद ही अजीब सी वाइट कास्ट देने लग जाती है. एज इन जब वो मेल्ट होती है ना, वाइट वाइट हो जाती है. स्पेसिफिकली ये वाला जो हेयरलाइन एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है बालों के आसपास, अगर आप प्रॉपरली 3 फिंगर रूल के हिसाब से सनस्क्रीन लगाओगे ना, तो जो वाइट कलर की सनस्क्रीन होती है ना, वो ये इशू हमेशा देती है, स्पेसिफिकली इंडियन स्किन पर, बिकॉज हमारी डस्की स्किन टोन होती है. ये वाइट कास्ट के इशू के लिए सबसे जो सोल्यूशन होता है ना, वो होता है एक टिंटेड सनस्क्रीन. और जब एवरीडे मेकअप लुक की बात आती है ना, आई ऑलवेज से एक टिंटेड सनस्क्रीन लगाओ, लूज पाउडर लगाओ एंड यू आर गुड टू गो. अननेसेसरी डेली बेसिस पे मैं भी मेकअप करना प्रेफर नहीं करती. मैं आजकल जब जिम भी जा रही हूँ ना, मैं यही लगाकर जा रही हूँ. आई एम पर्सनली लविंग इट. जब से रिसीव हुआ है मैं कॉन्स्टेंटली इसको यूज कर रही हूँ. यह डर्माको की 1% हाइड्रोनिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल, बेसिकली जेल है लेकिन इसका क्रीमी टेक्सचर है जो मैं आपको दिखाऊंगी. इसके अंदर है SPF 60 विद PA 4x+. ये आपको देती है ब्रॉड प्रोटेक्शन विद UVA UVB प्रोटेक्शन. इसके अंदर आपको मिलता है जिंक ऑक्साइड 26%, टाइटेनियम डाइऑक्साइड 10%, प्लस इसका जो टिंट है वो काफी अच्छे से स्किन को कवरेज भी देता है. मॉइस्चर बूस्टर भी इन्होंने इंग्रेडिएंट डाला है, विच इज हाइड्रोनिक एसिड. तो 1% हाइड्रोनिक एसिड की वजह से ना, स्किन मेरी एक्सट्रीमली ड्राई और क्रैक फील नहीं होती, वो स्किन को नरिशमेंट भी बहुत अच्छे से देता है. सो इट्स लाइक अ परफेक्ट फिजिकल सनस्क्रीन जो सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं. अगर आपकी अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन है ना, तो आई वुड से फिजिकल सनस्क्रीन ही प्रेफर किया करो. ये स्किन पर इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, और मैं पर्सनली एवरीडे बेसिस पे फिजिकल सनस्क्रीन ही यूज करना प्रेफर करती हूँ. दैट इज वाई आई एम यूजिंग इट कॉन्स्टेंटली. जिम जाती हूँ ना, तो मुझे हल्की फुल्की एक चाहिए होता है कि मेरा जो एक्ने की रेडनेस है वो थोड़ी कैंसिल आउट हो जाए. ऐसा नहीं है कि मैं मेकअप करके जाना चाहती हूँ, इट्स जस्ट दैट थोड़ी बहुत एक्ने की रेडनेस है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाए और वो इस सनस्क्रीन से अचीव हो जाती है. आई एम पर्सनली लविंग इट. यू कैन सी द कलर, इसका टिंट कितना प्यारा है, एकदम जो इंडियन स्किन होती है ना, ये ऑलमोस्ट सारी स्किन टाइप को सूट कर जाएगा. काफी अच्छे स्किन पे ब्लेंड भी हो जाती है. इसके अंदर इन्होंने सिलिकॉन भी डाला हुआ है जो एकदम प्राइमर लाइक स्मूथ फिनिश देता है. तो अगर आप एवरीडे मेकअप भी कर रहे हो ना, आप इसको यूज कर सकते हो, बिकॉज एक आपको एकदम स्मूथ कैनवस भी देती है अगर आप थोड़ा बहुत BBCC क्रीम इसके बाद लगाना चाहते हो. ऑल्सो दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री, सल्फेट फ्री, डाई फ्री, पैराबेन एंड मिनरल ऑयल फ्री, तो काफी सेफ है आपकी स्किन के लिए. वैसे भी फिजिकल सनस्क्रीन है, फ्रेग्रेंस फ्री सनस्क्रीन है, तो मिला के एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया. बाय द वे, डर्माको हैज ऑल्सो लॉन्च्ड अ सीरम बेस्ड सनस्क्रीन विच इज लाइक रियली यूनिक. मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि एक सीरम फॉर्मुलेशन में सनस्क्रीन आती है. काफी लाइट है ये, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होती. अगर डे टाइम का कोई भी वेडिंग या फिर इंपॉर्टेंट पार्टी फंक्शन होना, तो मैं तो डेफिनेटली यही प्रेफर करने वाली हूँ. ये मैट नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ आपको हल्की सी एक ड्यूई फिनिश देती है जो आपकी स्किन को ग्लो देती है. सो मेकअप करने से पहले मुझे काफी सही लगती है. यू कैन बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम डर्माको ऑफिशियल वेबसाइट. यू कैन यूज माई कोड Kashika2022 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ. लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे. अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको नहीं लेना, आप नायका, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, लेकिन वहां पर वो डिस्काउंट कोड वर्क नहीं करेगा, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. Also, whenever you buy from Dermaco, they will link your order to a child that they help educate along with Bhumi. They have
have pledged to help 10,000 plus students across the year. और ये सारी details आपको description box में मिल जाएगी, so do check it. Now honestly, if I talk about everyday makeup look, मैं personally अलग से primer नहीं use करती, because ये जो sunscreen है इसमें already silicone infused है, तो इसके ऊपर आप हल्का फुल्का concealer, loose powder लगा लोगे, you are good to go. लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा वाला proper makeup करना है, तो I think आपको separately भी primer use करना चाहिए. और oil free एकदम matte look के लिए सबसे अच्छा primer जो मुझे पसंद आ रहा है, वो है ये Mars का Pore Cure Primer, smoothing and pore filling primer that mattifies your skin to create a perfect base. ये एकदम white silicone जैसा primer है, जो transparent silicone primers आते हैं ना. So this is how the primer looks like, and look at this. बहुत जल्दी ये skin में चला जाता है, और एकदम लगाते ही मेरी skin इतनी smooth feel होती है ना. ये आपके जितने भी fine lines और pores होगा ना, उसको बहुत beautifully fill in कर देता है. So अगर आपको भी acne के scarring issues हैं, काफी लोगों को acne के pits होते हैं, छुछड़े गड्ढे होते हैं, तो ये उसको भी बहुत अच्छे से fill up कर देता है. और इसके ऊपर जब आप मेकअप करोगे तो वो और अच्छा लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, बिकॉज जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं ना, वो पोर्स को एकदम फिल इन कर देते हैं, तो एक्सेसिवली स्वेटिंग उस टाइम नहीं होती, आपको बहुत ज्यादा पोर्स आपके बड़े नहीं होते ओवर द टाइम. काफी बार आप देखोगे जब अच्छा प्राइमर नहीं यूज करते, दो या तीन घंटे बाद ही आपके मेकअप अजीब सा क्रैक होता है, पोर्स दिखने लग जाते हैं. तो इट्स बेटर कि आप एक अच्छा ऑयल फ्री प्राइमर यूज करो, और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर एकदम परफेक्ट रहते हैं. दिस इज रियली नाइस फ्रॉम मार्स. नाउ कमिंग टू फाउंडेशन, विच इज लाइक अ गेम चेंजर. और जब भी ह्यूमिड वेदर की बात आती है, ऑयल फ्री मैट लुक की बात आती है, मैं हमेशा क्या रेकमेंड करती थी, मेबलिन सुपरस्टे, बट आज नहीं करने वाली. आई नो मैं भी आपको वैरायटी देना चाहती हूँ, मैं भी थक गई थी सजेस्ट करके. आई हैव अ न्यू सजेशन फॉर यू, जो मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है, वो है ये नायका का ऑल डे मैट फाउंडेशन. ट्रस्ट यू, मैंने नायका से ऐसे ही ले लिया था विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. उस टाइम सेल चल रही थी, तो मुझे ठीक डील में मिला था, बट आई रियली लाइक इट. नायका नेल्ड इट विद दिस वन. वेरी वेरी अफोर्डेबल क्वांटिटी आपको अच्छी मिल रही है, पंप पैकेजिंग है, एंड द शेड रेंज इज ऑल्सो वेरी गुड. नायका ने इस बार क्या किया है, इन्होंने अपने अंडरटोन के हिसाब से शेड रेंज निकाली है. हर अंडरटोन में इन्होंने अलग अलग स्किन टोन बताए हैं, और आप उसमें अपने स्किन टोन पे जाके ले सकते हो. अंडरटोन अगर आपको नहीं पता, धूप में जाओ, अपनी ये वाली वेन्स देखो, ये वाली वेन्स के कलर के हिसाब से आपको अपना अंडरटोन पता चल जाएगा. लाइक मेरा थोड़ा सा पिंक टोन साइड पे जाता है, सो मैंने पिंक अंडरटोन पे जाके अपना स्किन टोन ढूंढा. मुझे ये मिला शेड बिस्किट 05, एंड इट मैचेस मी परफेक्टली. मतलब फर्स्ट टाइम फाउंडेशन ऑनलाइन लिया, और अच्छे से मैच भी हो गया. थोड़ा सा लाइट लगता है जब लगाती हूँ, बट थोड़ी देर बाद ही ऑक्सीडाइज होता है, ये हल्का सा ऑक्सीडाइज होता है. सो आई वुड से एक शेड लाइट लोगे तो भी चल जाएगा. वेरी वेरी नाइस. एक तो ये बहुत लाइट है, एकदम पतला इसका टेक्सचर है, काफी अच्छे स्किन में ब्लेंड हो जाता है. आप देख सकते हो मैंने खाली थोड़ा सा ही लिया है, लाइक एक या दो पंप लिया होगा मैंने पूरे फेस के लिए, और इसने मेरे मेजर एक्ने मार्क्स को कंसील कर दिया. जो भी रेड वाले मार्क्स थे, जो डार्क स्पॉट्स थे, वो एकदम कंसील हो गए. अगर आप इसको एक लेयर और लगाओगे ना, लाइक ये बिल्डेबल सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला है, तो ये अच्छे से आपको फुल कवरेज भी देगा. सो आई वुड से मीडियम टू फुल कवरेज आपको डेफिनेटली देगा. अफोर्डेबल भी है, सो दिस इज नाइस. ऑल्सो जो नायका का फाउंडेशन है, ये वीगन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, एंड पैराबेन फ्री भी है. सो अगर इस पर कोई डील आती है ना, आई वुड से ग्रैब इट, बिकॉज यू विल लव इट. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, वो तो मस्ट हैव है अगर आपको अपनी स्किन को एकदम सेट रखना है, मैट रखना है, सो दैट लॉन्ग लास्टिंग भी आपका मेकअप रहे, विच इज लूज पाउडर. आई वुड से अगर फाउंडेशन भी लगाते ना, हल्का फुल्का कंसीलर अगर डार्क स्पॉट्स पे भी लगा रहे हो, थोड़ा बहुत मेकअप करो, बीबी सीसी क्रीम लगा रहे हो, तभी भी अभी भी ह्यूमिड के वेदर में ये लगाना बहुत जरूरी है. सो आई हैव टू ऑप्शन फॉर यू. सबसे पहले है ये मेबलिन फिट मी का. मैं शेड यूज कर रही हूँ 25 मीडियम मोयन, जो एग्जैक्टली मेरे स्किन का शेड है, ना ये लाइट है ना डार्क है, लिटरली मेरी स्किन का एग्जैक्ट शेड है. काफी अच्छे से स्किन पे सेट भी कर देता है, एज इन मेकअप को सेट कर देता है, एट द सेम टाइम इसकी कवरेज भी अच्छी है. अगर आप कोई भी लूज पाउडर ढूंढ रहे हो जो हल्का फुल्का आपको कवरेज भी देना, आई वुड से गो फॉर दिस वन, एंड दिस विल लास्ट यू फॉर एजेस. मतलब इसमें आपको इतनी क्वांटिटी मिलती है ना, आई थिंक एक या डेढ़ या फिर उससे भी ज्यादा साल से मेरे पास रखा, और अभी भी इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी है. इससे आप स्पंज से पिकअप करके बेकिंग कर सकते हो, बिलो द कॉन्टोर लगा सकते हो, या फिर एक नॉर्मल ब्रश लेके पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो. सेट करना बहुत जरूरी है अपने मेकअप को, अदरवाइज थोड़े टाइम बाद ही ऑयल प्रोडक्शन होने लग जाएगा. सो ये तो घर के लिए ठीक है, अगर आप घर में अपना मेकअप सेट करना चाहते हो, बट वॉट इफ हमें कहीं बाहर जाना है, हमें थोड़ी देर में ही ऑयल प्रोडक्शन होने लग गया, तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट जुगाड़ जो मैं सबको बताती हूँ, सबसे पहले यू नीड दिस. ये मैंने मल्टीपल टाइम फीचर किया है, लोग जो मेरी वीडियोज देखते हैं उनको तो पता ही होगा ऑलरेडी. येस कशिका, वी नो दिस. ये मिस क्लेयर के ऑयल कंट्रोल टिश्यूज, ये बेसिकली कुछ इस तरह आते हैं. और ये क्या टिश्यूज होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट बटर पेपर जैसा होता है, और अगर आपकी स्किन पर कहीं पर भी ऑयल निकल रहा होता है, आप कहीं बाहर गए हो, आपने पार्टी मेकअप किया है, कभी भी उसके ऊपर डायरेक्टली कॉम्पैक्ट मत लगाना. उस पसीने के ऊपर जब कॉम्पैक्ट लगाओगे ना, आपका मेकअप और रुइन हो सकता है. तो सबसे पहले इससे जितना भी आपका स्वेट और पसीना है उसको रिमूव करो, उसके बाद अपना कॉम्पैक्ट यूज करो. मैं पर्सनली आजकल ये ज्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज काफी बार कॉम्पैक्ट जो होते हैं ना, वो थोड़े बहुत ना केकअप कर जाते हैं, लूज पाउडर इतना केक ही नहीं बनाता आपके फेस को. सो आई रियली लाइक दिस. इसकी पैकेजिंग ऐसी है ना, ये इसको एकदम ट्रैवल फ्रेंडली बना देता है. ये
फेस कैंडा का अल्टाइम प्रो मिनरल लूज पाउडर, यहाँ पे अंदर लूज पाउडर होता है, आपको ऐसे ऐसे करके इस पर लगाना होता है, ये स्पंज पे आ जाता है और फिर आप ऐसे ऐसे करके अपने फेस पर लगा सकते हो। ये स्पंज की वजह से ना सारा जो एक्सेस ऑयल है वो भी रिमूव हो जाता है, ग्रीसी नहीं होता मेरा फेस, मेकअप दोबारा सेट हो जाता है और अनदर 4-5 आवर्स के लिए वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। सो ये तो मेरा सबसे बेस्ट हैक है, आप इसको अपने बैग में भी डाल सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं है, स्पेस नहीं लेता। नाउ कमिंग टू ब्लश, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, मैं आपको कोई भी अननेसेसरी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी कि ये भी ले लो वो भी ले लो, बिकॉज मेकअप इज नेवर एंडिंग यार। एक चीज बेसिक जो आपको रिकमेंड करूंगी जो अभी गर्मी के ह्यूमिड वेदर में एकदम परफेक्ट है एज अ ब्लश एंड फॉर लिप्स एज वेल, वो है ये शॉप का टेंट। मैंने अभी जस्ट लास्ट वीक अपने मंथली फेवरेट्स में भी फीचर किया है, आई एम लविंग दिस वन। एक तो इतना पानी जैसा है ना, ये बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता, मेरी स्किन पे ऐसा नहीं लगता कि मैंने एक और लेयर मेकअप का ऐड कर दिया। लाइक लिप एंड चीक टेंट लगाओ, पाउडर ब्लश लगाओ, थोड़ा सा लगता है अपना फेस जो है ना हल्का हल्का लगता है, केक ही होने लग गया है, बट ये काफी अच्छा है, लिटरली पानी की तरह ब्लेंड हो जाता है। आप देख सकते हो जो मैं ब्लेंड कर रही हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाउड लग रहा है, बट जैसे जैसे मैं इसको ब्लेंड करती जा रही हूँ ये एकदम टेम डाउन हो जाता है। थोड़े टाइम बाद तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने हल्का सा कुछ टच ऑफ ब्लश लगाया है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको हैवी करना चाहते हो, लाइट करना चाहते हो, प्लस आप इसको अपने लिप्स पर भी यूज कर सकते हो। पानी जैसा ना तो लिप्स के ऊपर भी एक हल्का सा वाटरी एक टिंट इफेक्ट देता है जो थोड़ा बहुत आपके लिप्स को रेड बना देता है, मुझे पर्सनली काफी पसंद है। अगर आप मुझे बोलोगे ना अभी ये ह्यूमिड वेदर में 2 मिनट में तैयार होकर मुझे मिलो, तो मैं लिटरली टिंटेड सनस्क्रीन लगाऊंगी, थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी, फेस को सेट करूंगी, इसको उठा के यहाँ पर लगा लूंगी, यहाँ पर लगा लूंगी एंड आई एम गुड टू गो। मैं आई मेकअप भी शायद नहीं करूंगी, बिकॉज इसको भी लगा लो ना तो फेस एकदम कहीं ना कहीं कंप्लीट लगता है, खाली ब्लश के बनाना फेस बड़ा अधूरा लगता है। सो दिस इज ऑल्सो रियली नाइस, थोड़ा सा प्राइसी है बट आई थिंक फॉर द क्वालिटी एंड लाइक हाउ इट वर्क्स इट इज डेफिनेटली वर्थ। नाउ सिंस हम बेसिक मेकअप की बात कर रहे हैं जो आप एवरीडे बेसिस पे भी कर सकते हो, मैं अननेसेसरी आपको आई शेडोज एंड ऑल रिकमेंड नहीं करने वाली, बिकॉज हमें पता है हम बेसिक मेकअप में आई शेडो इतना नहीं करते, बट ये दो तो सबको ही चाहिए होता है बेसिक आई लुक क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले है एक अच्छा लिक्विड लाइनर एंड आई एम लविंग दिस वन, ये फेसेस कैनडा का मैग्नेट आईज आई लाइनर, ये लिक्विड आई लाइनर है और इसकी जो टिप है मतलब जो इसका ब्रश टिप है ना सुपर सुपर थिन, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना थिन ब्रश टिप नहीं देखा, इट इज लाइक सुपर थिन। अगर आप बिगिनर हो ना या फिर आपको एकदम शार्प विंग करना पसंद है या फिर आप विंग बनाने में ना बहुत ज्यादा मेसअप करते हो तो आई वुड से इससे स्टार्ट करो। इसका टिप इतना ज्यादा पतला है ना कि मेसअप होने का चांस ही नहीं होगा, आप अगर एक लाइन भी मारोगे ना तो एकदम थिन लाइन इससे बनेगी, वेरी वेरी नाइस। अगर आपको ब्रश आई लाइनर सूट करते हैं तो काफी लोग फेल्ट टिप वाले या फिर वो पॉट वाले लाइनर्स प्रेफर करते हैं, मैं पर्सनली ऐसा ब्रश लाइनर प्रेफर करती हूँ बिकॉज ये बेंड ईजिली हो जाता है, इससे एक स्ट्रोक बहुत अच्छा बनता है और आज मैंने यही लगाया। यू कैन सी ये वाला जो टिप है ना ये इसकी बहुत प्यारी बनती है, प्लस ये वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, बच प्रूफ है, पानी वानी भी हल्का फुल्का अगर लगेगा आंखों पे तो ज्यादा बहने नहीं वाला, आई वुड से ये प्रॉपर ही वाटर प्रूफ है। इसी रेंज का मस्कारा भी आता है जो मुझे काफी पसंद है बट वो मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करती। आई हैव अनदर रिकमेंडेशन फॉर मस्कारा फॉर एवरीडे बेसिस जो है ये मेबलिन का कलोसल मस्कारा, दिस इज द वाटर प्रूफ वेरियंट। इनके जो मस्कारा है ना उसमें आपको 2 वेरियंट मिलते हैं, एक वॉश ऑफ होता है एक वाटर प्रूफ होता है, लेकिन सिंस हम अभी बारिश की बात कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी मानसून का जो वेदर होता है, आई वुड से वाटर प्रूफ ही लगाना, कुछ नहीं पता बाहर जाए मेकअप करके बारिश आ जाए और सारी आपकी आंखें पांडाइज बन जाए, सो यही सेफ रहता है। आई लव दिस वन, इसका मुझे ये बहुत अच्छा लगता है वॉन्ड जो है ना, मतलब इससे मेरी लैशेज कोट भी हो जाती है एट द सेम टाइम हैवी फील नहीं होती। इसको लगा के मुझे एकदम वो फेक लैशेज वाला इफेक्ट नहीं पता चलता, बिकॉज काफी बार जब आप हमारे स्क्रीन पे या रिव्यूज में देखते हो ना मस्कारा जो हम हैवी भी लगाते हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको रियल लाइफ में देखोगे ना वो इतने गंदे लगते हैं ना, मतलब कोई भी आपके पास आके बात करे ना दे कैन स्पॉटेड कि आपने एकदम भर रखा है मस्कारा अपनी लैशेज पे, वो क्लंपी हो जाती है। सो एवरीडे लुक के लिए अगर आप डिसेंट दिखना चाहते हो ना तो ऐसा मस्कारा एकदम परफेक्ट है, ये अच्छे से आपकी लैशेज को कोट भी कर देता है, हैवी फील नहीं कराता और कहीं ना कहीं आपकी आईज थोड़ी सी अपलिफ्टेड भी लगती है बिकॉज लैशेज का एक अच्छा इफेक्ट आता है। और अगर आप ये और लाइनर लगा लोगे ना आपको आई शेडो की भी जरूरत नहीं है। कमिंग टू माई लास्ट एसेंशियल, जो लास्ट तो है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, विच इज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे। आप कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी अच्छा फाउंडेशन ले लो, कोई भी अच्छा बेस प्रोडक्ट यूज कर लो, अगर लास्ट में स्प्रे करके उसको सेट नहीं करोगे ना लिटरली सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा। सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ गुड मेकअप सेटिंग स्प्रे। सिंस हम बात करें मेकअप को मैट बनाने की, ऑयल फ्री बनाने की, सो आप हमेशा लोगे मैट फिनिश का स्प्रे जो बेसिकली मैट जिसके ऊपर क्लियरली लिखा होगा, और आप अगर ये मेबलिन का स्प्रे देखोगे ना यू कैन सी यहाँ पे मैट फिनिश लिखा हुआ है, सो ये मैट बना के रखता है आपकी स्किन को। यू जस्ट हैव टू शेक इट वेरी वेल, और अगर आपने हैवी आई शेडोज करी आई वुड से आईज को कवर कर लो,
एंड जस्ट स्प्रे इट, दूर से स्प्रे करो, लेट इट ड्राई. स्टार्टिंग में आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी गीली होती है. अगर आपका उस टाइम मेकअप फट रहा है या फिर आपको लगता है आपका मेकअप लाउड हो गया, केकी हो गया, कोई भी स्पंज लो, उसको ऐसे डैप डैप कर लो, वो आपके मेकअप को एकदम इवन आउट कर देता है, हैवी फील नहीं कराता. और जैसे ही ड्राई अप हो जाता है ना, आपका मेकअप एकदम लॉक कर देता है. फिर उसके ऊपर आप मास्क पहनो या फिर आप गर्मी में जाओ, धूप में जाओ, इससे आपका मेकअप कहीं ना कहीं सेट रहता है अच्छे से. सो दिस इज लाइक माय मस्ट हैव. ये मैंने अमेजोन से लिया था शायद, पर अगर ये नायका एंड ऑल कहीं पे भी अवेलेबल होगा तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगी. दिस इज अगेन रियली नाइस. सो दीज आर माय एसेंशियल्स फॉर अ नाइस मैट एंड ऑयल फ्री लुक. वैसे तो मेकअप में और भी चीजें होती है, हाईलाइटर, लिपस्टिक, बट वो सब ना आप कोई भी ले सकते हो. वो ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि आपकी स्किन को मैट ही करके रखेगा, बट ये जितने मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए ना, ये तो सबसे ज्यादा एसेंशियल है. ओके, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. जो भी डिस्काउंट कोड होगा, जो भी डील होगी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा. सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. एंड इसके अलावा फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई डू सम रियली गुड रिव्यूज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. मेरी स्टोरीज पर आपको डेली व्लॉग कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है. मैं व्लॉगिंग नहीं करती, लेकिन मैं स्टोरीज पर कहीं ना कहीं डेली व्लॉग सॉर्ट ऑफ बनाती रहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, जिमिंग कैसे कर रही हूँ. सो इसके लिए आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.